डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, कोरोना से जूझते इस संकट की घड़ी में डीपीएस अजमेर पेरेंट्स के हित में दे रहा है एडमिशन पर आकर्षक छूट, साथ ही स्कॉलरशिप और मंथली फीस पर 20% की छूट। इसके साथ ही बस व अन्य किसी प्रकार का शुल्क अब नहीं लिया जाएगा। डीपीएस अजमेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तभी जी। पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो का उल्लेख करते हुए बताया कि यह भ्रामक और अफवाह फैलाने वाला वीडियो है। अजमेर जिला कलेक्टर द्वारा ऐसा कोई वीडियो जारी नहीं किया गया है जिसमें 1 से 4 अगस्त तक लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने लोगों से भ्रम न फैलाने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के निर्देशानुसार जो भी घोषणा होगी वह जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी और मीडिया के माध्यम से आम जन तक पहुंचाई जाएगी, इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें। देखिए, मैंने कल ये वीडियो देखा था, ये अजमेर का नहीं है, जिसमें उसमें जो अधिकारी दिख रहे हैं, क्योंकि चेहरा मास्क से कवर है तो पता नहीं चल रहा है वो कौन अधिकारी है। निश्चित रूप से कोई प्रशासनिक अधिकारी है वो, लेकिन वो किस जिले के हैं और किस राज्य के हैं दोनों ही बातें स्पष्ट नहीं है। मैं ये बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अजमेर में ऐसा कोई भी निर्देश जारी नहीं किया गया है। अजमेर में कोई 1 से 4 तारीख तक लॉकडाउन लगाने जैसी कोई भी बात नहीं है। यदि ऐसा कोई भी गतिविधि ऐसी होगी, ऐसा कोई ऑर्डर जारी होने वाला होगा, तो बाकायदा मीडिया के मार्फत कलेक्टर साहब के द्वारा सभी को सूचित किया जाएगा ताकि लोगों को स्पष्ट रूप से पता रहे कि अजमेर में आगे क्या व्यवस्थाएँ होने वाली है। ऐसे किसी भी वायरल हो रहे वीडियो पर जरा भी ध्यान नहीं दें, ये अफवाहें हैं। इन पर ध्यान देने की जगह आप अपने जो भी आपके आसपास अधिकारी हों या ऑफिसर्स हों, वहाँ जाकर के कंफर्म करें कि जो बातें आपके नॉलेज में आ रही हैं वो सही हैं या गलत हैं।